नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल हर सपना कुछ कहता है। तो दोस्तों, हमेशा की तरह से मैं श्वेता फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ आपकी सपनों की समस्याओं का हल लेकर। तो दोस्तों, आज सपने की सीरीज़ में हमारा विषय है सपने में रुद्राक्ष को देखने का क्या मतलब होता है, या रुद्राक्ष का पेड़ देखना या रुद्राक्ष की माला देखना जिसे शिव पूजन में विशेष रूप से यूज़ किया जाता है। और आपको पता ही होगा कि रुद्राक्ष अर्थात शिव के आँखों से निकला जो आंसू है वही रुद्राक्ष के रूप में माना जाता है, उसे ही रुद्राक्ष कहा जाता है। तो यह जो फल है रुद्राक्ष के पेड़ का, ये शिव पूजन में विशेष रूप से उपयोगी होता है। और कहा जाता है कि यदि आप सपने में रुद्राक्ष को देखते हैं तो आपके जीवन के जो कष्ट हैं, जो बहुत दिनों से आप परेशानियों से जूझ रहे थे, उन कष्टों का अंत होने वाला है। किसी नवीन शुभ समाचार की आपको प्राप्ति हो सकती है। और बहुत सारे ऐसे व्याधियाँ जिनसे आप परेशान थे हो सकता है उनका शमन हो जाए। इसके अलावा यदि सपने में आप रुद्राक्ष के वृक्ष देखते हैं, खुद को रुद्राक्ष तोड़ते हुए देखते हैं, चारों तरफ रुद्राक्ष बिखरे हुए देखते हैं, तो यकीन मानिए कि बहुत जल्दी आपको बहुत ही शुभ समाचार, आर्थिक सामाजिक किसी भी रूप में उन्नति का समाचार आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। और ख़ासकर वो लोग जो नए संतान हैं उनके लिए भी यह बहुत शुभ समाचार है। हो सकता है कि आने वाले समय में उनको कोई संतान प्राप्ति से संबंधित कोई बहुत अच्छा समाचार मिले। खासकर ये कष्टों के निवारण के लिए, मतलब यदि आप बहुत दिनों से किसी कष्ट या बाधा या परेशानी से पीड़ित हैं तो उन परेशानियों के अंत होने की ओर संकेत देता है। यदि आप इस सपने का बहुत अच्छा लाभ लेना चाहते हैं तो आप रुद्राक्ष की माला पे भगवान शिव जी का पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय, क्योंकि यदि आप ओम संपुट लगाते हैं तो ये साधना के रूप में यूज़ होती है। और यदि आप धन प्राप्ति या गृहस्थ सुख के लिए आप इसे कर रहे हैं तो नमः शिवाय का जाप करें। और यदि साधना के रूप में आप इसे करना चाहते हैं तो ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षरी मंत्र का आप निरंतर जाप करें और देखें आपको इस फल का जो स्वप्न फल का जो भी परिणाम है वो बहुत जल्दी और बहुत शुभ ही समाचार आपको प्राप्त होगा। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी आज की दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी रोचक जानकारी के लिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।